नमस्कार साथियों, मैं प्रभात श्रीवास्तव आपको आप सभी का आपके अपने ही चैनल श्रीवास्तव वर्ल्ड पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्यार में पड़े उन युवक और युवतियों की। आपने ऐसा नोटिस किया या नहीं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन मैंने किया है, जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ प्रेम के चक्कर में होगा तो सर्किल में केवल उसी की बात करना चाहेगा, जो उसकी बातों को इग्नोर करेगा, जो उसकी बातों को नहीं सुनना चाहता है वो उसे दुश्मन के समान प्रतीत होता है। ये तो नहीं है कि हाँ उससे बातचीत बंद जाती है, लेकिन हाँ उसको लेस देन द अदर के ग्रुप में रखा जाता है। लड़कियों में है कि जो सच्ची है, अपना तन मन सब समर्पित कर चुकी है, वो मार खा लेगी गार्जियन से, लेकिन फिर भी उस लड़के को नहीं छोड़ेगी। अब दूसरी कैटेगरी की जो लड़कियाँ होती हैं वो क्या करेंगी कि ठीक है, कोई अच्छा मिल गया उसके साथ, चाहे वो उसका बॉयफ्रेंड का दोस्त ही हो, जो भी हो, एक्स वाई जेड जो भी हो, उसके साथ इंटेंगल हो जाती हैं। और जो लड़के और लड़कियाँ सेक्स से ही अपनी मोहब्बत की शुरुआत करते हैं, उनका अंजाम कुछ ही कदमों तक है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, केवल बस भूख मिटाना होता है, पर वो भूख मिटा चुकी है। और इस तरह का जो लड़कियां होंगी उसका घर से ही माहौल ख़राब होगा, टीन एज से ही उसके घर में कोई ना कोई ऐसे होंगे जो उसको फिजिकल हरास करते होंगे। तो ऐसी लड़कियों को सेक्स कुछ भी नहीं है, लगता जो आओ करो सो जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं लड़कों। तो अब हम कुछ लड़कों की कैटेगरी की बात कर लें, तो मैंने लड़कियों के बारे में बता दिया, लड़कों के बारे में बता दिया। इस तरह की कैटेगरियाँ होती हैं और ये आप नोटिस कीजिएगा। आशा करता हूँ कि मैंने जो कहा है वैसा ही सत्य है, और आप लोग इसको महसूस कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गुड नाइट।